30 रुपया? 30 टका? अरे हाँ भाई हाँ, यहाँ मिलता है सिर्फ 30 रुपया में चिकन बिरयानी। आप लोगों को भी विश्वास नहीं हुआ ना, मुझे भी नहीं हुआ था। सो फाइनली गाइस, हम आ चुके हैं सुनते सुनते श्रीरामपुर में 30 रुपये वाली बिरयानी खाने, क्योंकि जहाँ है खाना वहीं आपके भाई का ठिकाना। हे गाइस, व्हाट्सअप, फेसबुक मैसेंजर, ट्विटर, नहीं ये गलत बोल रहा हूँ मैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आ चुका हूँ श्रीरामपुर स्टेशन पे, जहाँ पे 30 रुपये की बिरयानी मिलती है। हमने भी सोचा था कि नहीं मिलता होगा, मजाक है, लेकिन वाकई में यहाँ पे 30 रुपये की बिरयानी मिलता है। तो आप लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताएंगे कि कितना क्वांटिटी रहता है, कैसा टेस्ट है, उसमें क्या क्या रहता है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा, धूप भी निकली हुई थी, इसलिए मैंने कैप पहने के जो घर से निकला, यहाँ पे आने के बाद जो देखा कि बादल छाया हुआ है, तो इसलिए कैप को उतारूंगा नहीं, फिर भी पहने ही रहता हूँ, क्या दिक्कत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली गाइस, हम आ चुके हैं श्रीरामपुर के स्टेशन में, और यहाँ पे जो है 30 रुपये की बिरयानी मिलती है, सिर्फ 30 रुपये की। तो हम अंकल से बात कर लेंगे, 30 रुपये की बिरयानी आप बेच रहे हैं? नहीं सच में? हाँ सच में। अरे कैसे 30 रुपये में दे देते यार, यहाँ पे 120-130 रुपये की प्लेट मिलती है। परिवहन जो है वो कम होता है ना। अच्छा, क्वांटिटी कम रहता है उसका। तो उसमें क्या क्या मिलता है? सब मिलता है, जैसे बिरयानी मिलता है वैसे ही मिलता है, जो बोला पहले क्वांटिटी कम मिलता है। अच्छा, सारा कुछ वैसा ही रहता है। पीस कितना मिलता है जो चिकन का पीस होता है? पीस जो होता है बिरयानी का 40 ग्राम का पीस है। अच्छा, बिरयानी में पीस रहेगा, चाप जो देता है उसमें भी 40। आप समझ ही सकते हैं, टोटल 80 ग्राम जो है पीस मिलता है चिकन का, और क्वांटिटी थोड़ा कम रहता है क्योंकि 130 रुपये, अरे सॉरी सिर्फ 30 रुपये, 30 रुपये के हिसाब से तो क्वांटिटी कम होना बनता ही है। तो चलिए हम लोग टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसा है इसका टेस्ट और क्या क्या मिलता है इसके साथ। काका, ये आपका दुकान कितना पुराना है यहाँ पे? दुकान ये दुकान नहीं है, हम लोग अंदर में दुकान है, ये भाड़ा का दुकान है अंदर में जो। अच्छा, अंदर और भी दुकान है, 20 साल पुराना है। तो अचानक से आप लोगों के मन में ये कैसा है कि हम लोग 30 रुपये का बिरयानी ले रहे हैं? एक आदमी खा रहा था, हम लोग भी दिमाग में आया, जैसे हमारा अपना सब कुछ है, भतीजा जो खाया हुआ था अभी। 30 रुपये में कोई भी दे सकता है, चिकन बिरयानी में 80 ग्राम देता है, लेकिन ये जो चाप जो देता है, मतलब दोनों अलग कर दिया 40-40 करके, लेकिन ग्रेवी जो है उसको भी तो खर्चा है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं दे सकेगा, बिल्कुल ग्रेवी का भी खर्चा है। तो गाइस देख सकते हैं, अंकल जो है चैलेंज के साथ बता रहे हैं कि इनके 30 रुपये की बिरयानी के जैसा और कोई दे ही नहीं सकता, बिकॉज इसके साथ जो है चाप भी फ्री मिलता है, 80 ग्राम का टोटल जो है पीस मिलता है, इनके राइस का क्वालिटी भी जो है बहुत ही अच्छा है। तो गाइस अभी हम खड़े हैं श्रीरामपुर में, श्रीरामपुर के स्टेशन के एकदम लास्ट साइड में, इधर 3 नंबर प्लेटफॉर्म है, उधर 4 नंबर प्लेटफॉर्म, और बीच में जो है ये सब दुकानें हैं बहुत सारी, अंकल की बिरयानी की दुकान, जो कि 30 रुपये में बिरयानी मिलती है। सो हम लोगों ने ले लिया है बिरयानी, और सबसे पहले हर बार की तरह शमीम भाई हमारे टेस्ट करके बताएंगे आप लोगों को कैसा बना है। ফাইনালি আমি খাওয়া শুরু করছি, দেখি এর টেস্ট কেমন আছে। তো বাঙালির খাবার স্টাইলের কী স্টাইল, চামচে তো খেতে পারবো না, খাবো না আমি, চামচটা আপাতত এখানে আমি ফেলেই দিচ্ছি, আমি বাঙালি স্টাইলে খেয়ে দেখাবো হাতে। তো এই হলো 30 টাকার বিরিয়ানি, এটা আমি হাতে বাঙালি স্টাইলে খেয়ে দেখাবো। তো ভাই এর মধ্যে কী কী দিয়েছে একটু আমি আগে দেখিয়ে দিই, খাওয়ার আগে। 30 টাকার কোয়ান্টিটি বুঝতে পারছো মোটামুটি ঠিকই আছে, 30 টাকার কোয়ান্টিটিতে মোটামুটি ঠিক। তো এর মধ্যে দিয়েছে রাইস, একটা বিরিয়ানির সঙ্গে একটা চিকেন পিস, সাপোজ 40 গ্রাম হবে, এবং এর সঙ্গে একটা দিয়েছে চিকেন চাপ এবং একটা আলু। তো ফাইনালি একটু আলু নিলাম, একটু চিকেন নিলাম, একটু স্যালাড, অসাধারণ টেস্ট। যা 90 টাকার টেস্ট পাই, 100 টাকার টেস্ট পাই, তা 30 টাকাতেও টেস্ট পাচ্ছি, শুধু কোয়ান্টিটিতে কম, তাছাড়া আর কিছু নয়। ঠিক আছে, ভালো লাগছে এবং ভালো বলছি, আপনাদেরও ভিডিওটা দেখে যদি ভালো লাগে, শ্রীরামপুর এসে 30 টাকার বিরিয়ানি অবশ্যই খেয়ে যাবেন। सो गाइस, बिरयानी खाने के बाद जो हम लोग घूमते फिरते आरएमएस के मैदान में आ चुके हैं, और यहाँ पे जो है दुर्गा पूजा की तैयारी चल रही है, आप लोगों को दिखाता हूँ। बिरयानी खाने के बाद जो है कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो हम लोग आ गए मिठाई की दुकान पे, यहाँ पे काका के कुल्फी की दुकान में। काका कुल्फी पाओ जावे? हाँ, एक स्पेशल कुल्फी बनाओ ना, और चलो
দুটো কুলফি বানাবো দুটো কুলফি বানাবো একদম তো ফাইনালি গাইস আমাদের কুলফি বানিয়ে যা রা হ্যায় আর ইয়ে দেখিয়ে বরফ হ্যায় বরফ কে অন্দর সে কুলফি কো নিকালা যা রা হ্যায় সিপ ইয়োর চাট ইউ গট নাথিং টু হাইড ইয়া ইয়োর ফিউচার সো ব্রাইট সো জাস্ট স্মাইল লাইক দেয়ারস নো ওয়ান ওয়াচিং এভরি মর্নিং অন স্যাটারডে wake up sun to get it started hey guys hamara thanda thanda meetha meetha kulfi jo aa chuka hai chaliye kha lete hain so finally guys samin bhai pehle khayenge kulfi aur kha ke batayenge kaisa hai kaisa laga kulfi awesome yaar awesome oh my god wow बिरयानी खाने के बाद जो ठंडा ठंडा मीठा मिल गया कुल्फी खाने के से मज़ा ही कुछ और है मज़ा आ गया बिरयानी अच्छी हो या ना हो लेकिन कुल्फी जो है एकदम ज़बरदस्त थी ये देखते हैं श्री दुर्गा मिष्ठान भंडार यहाँ पे आ सकते हैं आप कुल्फी खाने के लिए बिरयानी खाइए या ना खाइए लेकिन यहाँ पे कुल्फी एक बार ज़रूर ट्राई करके जाइएगा ये जस्ट RMS मैदान के एकदम बाहर ही है मोड़ पर एकदम कॉर्नर पर तो यहाँ पर आइए और यहाँ का कुल्फी टेस्ट कीजिए तो अभी हम श्रीरामपुर के मेन मार्केट में एंटर हो चुके हैं शामीम भाई जो वहाँ पे खड़े हैं अभी मैं गाड़ी लाने जा रहा हूँ यहाँ से अब घर जाने वाले हैं आज तो उतना भीड़ नहीं है लेकिन सैटरडे और संडे को सबसे ज़्यादा भीड़ होता है यहाँ पे और खास करके जो है ईद बकरीद या दुर्गा पूजा वगैरह में सबसे ज़्यादा भीड़ होता है सो गाइस वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत